बिट्टू जोक कैसा रहा बताइए। अच्छे से लीजिएगा लोग पिक बैलून नहीं देना तो सोने में एकदम लीन हो गया है, नींद खुली नहीं रहा। वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि गाइज आप लोग ठीक होंगे। सो गाइज आज है 5 सितंबर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज का दिन जो है मेरी लाइफ में सबसे बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। और आज ही के दिन जो है बेबी हुआ था, तो मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है ये। तो मैंने सोचा कि इसको स्पेशल करने के लिए, वैसे भी आजकल जो ये ट्रेंड चला हुआ है, तो बेबी जो है आज ऑलमोस्ट जो है 1 मंथ का हो गया है, तो आज हम लोग इस चीज़ को यादगार बनाने के लिए बेबी का 1 मंथ का जो है फ़ोटोशूट रेडी करने जा रहे हैं। हमने जो कुछ डेकोरेशन कर रखी है, किन किन चीज़ों से कर रखी है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो घर के जो DIY चीज़ें होती हैं, घर की चीज़ों से जो है ये रेडी कर रहे हैं हम लोग। कुछ स्पेशल हमने मार्केट से परचेज़ नहीं किया है, घर पे जो चीज़ें अवेलेबल थी उन्हीं चीज़ों से जो है 1 मंथ का डेकोरेशन स्टार्ट किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ गाइज। ये देखिए मेरा लिटिल चैम्प कैसे सो रहा है नेट के अंदर, बहुत मुश्किल से सोया है गाइज। वो भी मेरे ख्याल से 1 घंटा हुआ है अभी सोया है, ये शाम के टाइम पे। और देखिए यहाँ पे जो है डेकोरेशन स्टार्ट है। तो ये देखिए ये जो है ना पर्दा होता है ना गेट के पर्दे, तो उसी को जो है मैंने उल्टा कर रखा है। तो ये ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर के मतलब ये उल्टा कर रखा है। एंड ये जो है टावल है, तो टावल से जो है इसको 1 के रूप में जैसे ये डेकोर कर दिया है। एंड ये टॉफ़ी देख सकते हैं, इससे जो है ये 1 लिखा है। एंड इससे जो है स्टार बना रहे हैं गाइस, ताकि इससे जो है लुक और भी अच्छा है। और बेबी को जो कपड़े पहनाने हैं वो ये रहे कपड़े, ये बेबी के पापा कपड़े लेके आए थे, स्पेशल आज के लिए ही लेकर आए थे। तो ये कपड़े हम बेबी को पहनाने वाले हैं। और गाइज आप लोगों को जो है मैं जल्दी ही एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी, जिसमें जो है मैं आपको शो करूँगी कि बेबी के लिए हमने क्या क्या चीज़ों की शॉपिंग कर ली है अभी तक। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, जल्दी ही आप लोगों के वीडियो में मिल जाएगा। सो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं डेकोरेशन स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। और बेबी अगर उठ गया तो फिर शामत ही आ जानी है, पता नहीं क्या होगा डेकोरेशन का। वैसे भी वो मूवमेंट कर रहा है धीरे धीरे उठने का, उसका टाइमिंग भी, और बिकॉज 1.5 घंटा हो गया उसको सोए हुए, तो 2 घंटे पे मैनिमम मतलब 2 घंटे बाद वो खुद उठ जाता है। तो बस गाइज हम स्टार्ट करते हैं डेकोरेशन। इसका ड्रेस चेंज, बेबी अभी जो है जस्ट वॉमिट कर दिया है, अभी तक इसका वॉमिटिंग ठीक ही नहीं हुआ है गाइस। बेटा चेंज कर लो।
फोटो शूट करते में 2 घंटे हमें लग गए हैं ओनली, मतलब दो कुछ ही फोटो शूट हुए जो कि मैं आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। और देख सकते हैं, देख कह सकते हैं, बाहर तो वैसे रात हो गई दो जो कि दिख नहीं रहा है यहाँ से भी, बिकॉज लाइट ऑन है तो, और खिड़की वगैरह बंद है। तो इसी के साथ गाइज मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, और बेबी का जो है नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप लोगों को मिलने वाला है। बेबी का हम लोग जो है नाम अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो एक जल्दी से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी कि जिसमें हम बेबी का नेम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को बेबी का नेम, अगर आप लोगों को बेबी के नेम का कोई आइडिया है, जो नेम आप लोगों को अच्छा लगता हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना कि बेबी का नाम ये रखना है। बट जो है हम लोग सोच रहे हैं हमारे नाम से जो मिक्सअप हो वो नेम हम रखें, जैसे कि मेरा नाम अंजलि है और उनका नाम आकाश है, तो अंजलि और आकाश से जो मिक्स नेम आए वो रखना है। तो अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और पापा और बेटे तो एकदम खुश है आपस में। सो गाइस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। टेक केयर, बाय बोलो तो बेटा, बाय बोलो, बाय बाय।